अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं अपने पौने खींच के। और ये देखिए पप्पू चच्चा का कंगवा है, बहुत शानदार, जो कि मैंने कल टेपिंग किया था। और पहले इसको खींचेंगे, फिर इसको चेक करेंगे। और भी पौने आसिफ भाई के से मैं लाया था चेक करने के लिए। एफएम का पौना है, बहुत शानदार, तो चेक करते हैं आज। और कुछ ज़रूरी टिप्स भी देंगे। हवा इस वक्त अच्छा हो, पछियाओ का कोना चल रही है हवा। चेक करते हैं ये पौना कैसा है आज। बिल्कुल सूरज के ऊपर हवा है पछियाओ में, सुबह सुबह का वक्त है, धूप बहुत तेज निकल आई है इस वक्त। हवा अच्छी चल रही है, बस हवा थोड़ी सी आगे बढ़ के हवा मिल रही है। देख लीजिए, जो लोग कहते टून नहीं है मेरा, तो आपके सामने मैंने पतंग उड़ाई है। कोई धोखेबाजी नहीं है कि हमने पतंग उड़ाई हो, टून ना हो, खाली हाथ चला रहे हो, तो ऐसा नहीं है। वो भ्रम है, वो टून दिखा नहीं है वीडियो के अंदर। वो ये ब्राउन कलर का टून है, देख लीजिए, ये देखिए, जो कि पप्पू आसिफ भाई के यहाँ का टून है। बहुत शानदार टून उन्होंने दिया था मुझे। बहुत प्यारा कंकौवा है पप्पू भाई के यहाँ का। अब ये आसिफ भाई के कंकौवा खींचेंगे, देखते हैं रिजल्ट इसका। लेकिन ये जो पप्पू भाई का पौना है, ये थोड़ा सा कुछ महंगा है, और आसिफ भाई के यहाँ थोड़ा सा सस्ता है। क्वालिटी की बात भी है, काम ठड्डे की बात होती है। सस्ते और महंगे में फ्रेंड आप ये जान लीजिए कि काम ठड्डे का फर्क होता है और कमान का फर्क होता है। कागज़ सेम होता है, तो महंगे कंकौवे के कमान अच्छे होते हैं, बस उस पर मेहनत की गई होती। मेरे हाथों में तेल लगा इसलिए पतंग नहीं खींच पा रही है। हल्का सा बाहर का कंकौवा है, लेकिन बहुत शानदार है। ये कमान ठड्डे इसके देखिए, देखिए एफएम का कंकौवा है, एफएम मुरादाबाद। और ये आसिफ काइट्स सेंटर का है, तो देखते कि ये इसका क्या रिजल्ट है, क्या कैसा कंकौवा है ये, तो रिजल्ट इसका देखते हैं पैसों के हिसाब से कैसा है कंकौवा।
मैंने पार कर लिया है, थोड़ी सा हवा में आएगा तभी ज्यादा पार होगा गौआ। ये क्योंकि हवा थोड़ी सी खाने में, अक्टूबर में खाने में हवा चलती है यहाँ पे। फ्रेंड सुबह उठ के ज़रूर पतंग खींचिए आप लोग, जैसा कि मैंने बताया था अपनी वीडियो में, पतंग को ज़रूर खींचिए सुबह उठ के, जाड़ा गर्मी बरसात कुछ हो, और थोड़ा सा टाइम निकालिए एक्सरसाइज के लिए। तो मैं खींच के देख रहा हूँ याला एफएम वाला कंको, उसके रेट भी बताऊंगा। फ्रेंड आप ये जान रहे हैं कितने का है कंकौआ, और ये इतना शानदार कंकौआ है जो कि मैंने अभी खींचा है, इसका जवाब नहीं। बहुत अच्छा कंकौआ, ये देखिए एफएम वाला, और इसकी कीमत है 17 रुपये। ये देखिए 17 रुपये में इतना शानदार कंकौआ आपको आसिफ भाई दे रहे हैं। फ्रेंड खींचने में बहुत अच्छा है, हवा लगने पे है, हवा में बहुत अच्छा खींचा है, बहुत स्पीड है इस कंकौए में। तो फ्रेंड इतना सस्ता कंकौआ हमें तो नहीं लग रहा है कहीं मिल पाएगा 17 रुपये में इस वक्त, इस महंगाई के दौर में अच्छी बतंग। तो ये देखिए आसिफ भाई, ये सिर्फ शौकीनों के लिए है, और होलसेलर रिटेल जो भी बेचते हैं उनके लिए नहीं है ये पतंग, सिर्फ शौकीनों को मिलेगी। देखिए शानदार पतंग है एफएम मुरादाबाद, बहुत शानदार कंकौआ ये निकला। फिर से एक बार मैं खींच के इसको देख लेता हूँ। थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी मेरी, हाथ पैर भी खुल जाएंगे। सुबह का वक्त है ना इस वक्त, बढ़िया सुबह मज़ा लीजिए आप लोग भी, काइट फाइटिंग का, पतंग उड़ाने का, एक कंकौआ बना लीजिए, तैयार कर लीजिए सुबह खींचने के लिए अगर आपको अपनी खींच बढ़ानी है तो। बहुत से लोग मेरी वीडियो देख के वो काम कर रहे हैं और मुझे रिव्यू मिल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैं सुबह उठ के अब खींचता हूँ पतंग और मेरी खींच थोड़ी बढ़ी है। तो आप लोग भी खींचिए सुबह उठ के, अपनी खींच को बढ़ाइए, एज माने नहीं रखती है, आपकी मेहनत माने रखती है। ये फिर से एक बार मैं आपको खींच के दिखाऊंगा, थोड़ा सा रेंज में कर लेते हैं पतंग को फिर खींचेंगे।
पतंग रेंज ही में करके खींचना चाहिए, वो तो मैंने पतंग चेक कर रहा था तो इसलिए थोड़ा घट रख के खींचा, लेकिन पतंग को आप लोग रेंज ही में करके खींचिएगा तो खींच बढ़ेगी। जब ये जोर पड़ेगा शोल्डर्स पे तब आपकी खींच बढ़ेगी, ये शोल्डर जाम हो जाते हैं पतंग न उड़ाने की वजह से, शोल्डर ये जाम रहते हैं और शोल्डर ये खोलने के लिए यही एक्सरसाइज है धूप में पतंग को खींचना। धूप ना भी हो लेकिन धूप भी लेना ज़रूरी, बहुत ज़रूरी, विटामिन डी मिलता है उससे, ताकत मिलती है हड्डियों को, हड्डियों में जब ताकत होगी तभी आप पतंग पावर से खींच पाएंगे और ताकत नहीं होगी तो कहाँ खींचेंगे। तो विटामिन डी भी ज़रूर लीजिए, हड्डियों से भरपूर विटामिन डी। देखिए काफ़ी रेंज में हमने लगा दी है अपनी पौनी और अब ये मेरी पौनी पतंग खींच रही है। बहुत शानदार पौना है, जितनी भी तारीफ करें इसकी कम है पौने की। 17 रुपए में हंसी पाई गया मिल रहा है शौकीनों के लिए, शौकीन काइट फाइटर ही ये पौना लेंगे। देखिए हमने पतंग उतार ली, बने रहिए खान मल्टीवीडियोस के साथ। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को और बेल आइकॉन दबा दें, लाइक शेयर के दीजिए, तभी मैं आपको अच्छे अच्छे टिप्स दे पाऊँगा पतंग के बारे में बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। देखिए ऊपर पेच हो रहा है, ये देखिए सुबह सुबह कोई लड़ा रहा है पतंग, ये देखिए। पेच फंस गया है, देखिए वो कटा, वो कट गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम।